हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 7 सब्जेक्ट SHT का क्वेश्चन पेपर। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि 21 सितंबर 2024 में कंडक्ट हुआ है। इसमें पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड राइट नीटली। इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास MCQ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें इनमें से सही आंसर सेलेक्ट करना है। वाज द पर्सन हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान टर्म्स को काम में लिया? तो इसका ऑप्शन है मिन्हाज ई सिराज। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड क्वेश्चन, ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स कॉल्ड एज, ब्राह्मण्स को जो जमीन मिलती थी उसको क्या बोला जाता था? ब्राह्मण दिया। थर्ड पार्ट है, सुलह इक्वल आइडिया वाज डेवलप्ड बाय, अब ये किसने आइडिया डेवलप किया था? तो इसमें ऑप्शन सी अकबर है, हालांकि जिस स्टूडेंट ने हमें प्रोवाइड किया उसने जहांगीर लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर अकबर, पार्ट सी। फोर्थ पार्ट, ओक्स बो लेक्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर है बी, रिवर वैलीज। देयर आर सेपरेट स्कूल्स फॉर, सेपरेट स्कूल्स जो है दैट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड एंड ऑल ऑफ अबाउट। तो हमें पता है कि जो स्कूल सेपरेट होते हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होंगे। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ, चीफ मिनिस्टर जो होगा वो स्टेट का हेड होता है, कंट्री का हेड होता है या डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, तो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो स्टेट का हेड होगा। अब इसके बाद देखिए सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें ऑप्शन गिवन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, मिड डे मील वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डैश स्टेट, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है जो तमिलनाडु स्टेट है वहां सबसे पहले मिड डे मील स्टार्ट हुआ। डैश वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज है वो पार्सियन लैंग्वेज थी। डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नदर्न रेलवे, नदर्न रेलवे की सबसे पहली इंजन ड्राइवर जो है वो वुमेन कौन थी? तो लक्ष्मी लाकरा। फोर्थ पार्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन डैश ईयर, किस ईयर में गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया? तो 2015। डैश इज स्केल टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं वो रिएक्टर पर देखते हैं। आप न्यूज में भी देखते होंगे कहीं अर्थक्वेक आता है तो रिएक्टर पैमाने पर उसकी क्या तीव्रता रही, इंटेंसिटी क्या रही। लार्ज डिपोजिट ऑफ लोज आर फाउंड इन, तो इसमें आ जाएगा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज फॉर द स्टेट, ट्रू, स्टेट लेजिस्लेचर ही जो है वो स्टेट के लिए जो रूल्स वगैरह बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। द वेजेस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स आर वेरी लो, ये तो ट्रू है क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं जो हमारे घर में काम करने के लिए हेल्प करने के लिए आते हैं उनके वेजेस काफी कम होते हैं। नावे डेज वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर देम, वेरी ट्रू। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज जमींदार, ये फॉल्स है क्योंकि जो मुगल सर्विस में लेते थे वो डायरेक्टली जमींदार नहीं बनाते थे। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ट्रू। एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज मीजोस्फेयर, ये फॉल्स है। अब इसके बाद देखते हैं मैचिंग। फर्स्ट में देखिए परमानेंट विंड, इसके लिए एस्टेरलीज। सेकंड में राष्ट्रकूताज, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास डेक्कन इंडिया, मैचिंग करनी है आपको। थर्ड पार्ट इबेन बतूता, ये हमारे पास है मोरक्को। फोर्थ पार्ट रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान जो है वो डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। नाउ फिफ्थ मीटोराइट्स बर्न, तो इसके लिए मीजोस्फीयर। एंड सिक्स्थ अमर जीवन, ये रसुंदरी देवी, ये जो बुक है वो रसुंदरी देवी ने लिखा था, तो ये मैचिंग हुई। अब इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है।
9 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, सो 9 मार्क्स। डिफाइन क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। व्हाट इज दहली वाल? दहली वाल रेफर्स टू द इंडिविजुअल हु आर नेटिव टू और हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के शहर से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है या वहां की नेटिव प्लेस है जिनका, उनको हम बोलते हैं दहली वाल। व्हाट इज एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर बेसिकली इज ए सर्कल ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ समोन आइलैंड? तो इसमें जो मेन एक्टिविटी है उनकी वो है फिशिंग। डिफाइन द वर्ड डोमेस्टिक हेल्पर। अब डोमेस्टिक हेल्पर क्या होता है? हमारे घर में जो काम करने के लिए लेबर आती है, जो घर में हेल्प कराती है, उसको डोमेस्टिक लेबर बोलते हैं। सो बेसिकली दे आर द पेड वर्कर्स कम्स टू आवर होम फॉर हेल्प अस इन आवर हाउस होल्ड कोर्सेज। हाउस होल्ड जो भी हमारे काम है उसमें हेल्प करने के लिए जो डोमेस्टिक हेल्प होती है। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की थ्री टाइप्स हमें बतानी है। सो फर्स्ट इज साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक एंड कन्वेंशनल। तो थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नाउ व्हाट इज वेदर? सो वेदर इज बेसिकली द क्लाइमेट एट ए सर्टेन प्लेस एंड टाइम। किसी भी एक जगह का एक फिक्स टाइम के ऊपर जो क्लाइमेट होगा दैट इज कॉल्ड वेदर। नेम द बुक रिटन बाय अब्दुल फजल, नेम इट थर्ड पार्ट। तो जो अब्दुल फजल ने बुक लिखी थी दैट इज अकबरनामा, और ये ऑफिशियल हिस्ट्री है अकबर के टाइम पे। इसमें उसने तीन वॉल्यूम्स में लिखे, और जो थर्ड वॉल्यूम है दैट इज आईना ए अकबरी। डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी इलेक्शन होते हैं जो चुनाव क्षेत्र होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। सो कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट है या उसके नियर बाय जो एरिया है जहां पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा है, सो वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां के लोग उस कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ क्वेश्चन 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट टाइम, डू एनी 6। इसमें से आपको 6 करने हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन जरा रीड करके बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय एवरीवन इज इक्वल इन आईज ऑफ लॉ? देखिए, लॉज के सामने सभी लोग बराबर है, कानून के आगे सभी बराबर है, ऐसा आपने सेंटेंस में सुना होगा। तो इसका मीनिंग यही है कि कोई भी सुपीरियर कोई भी इन्फीरियर नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी एज से हो, किसी भी जेंडर से हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉज के आगे सभी बराबर है। लिस्ट सम रीजंस व्हाई लर्निंग अल्फाबेट इज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन लाइक रस सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकिया। अच्छा, आपको बताना है कि अल्फाबेट का मतलब लिटरेसी। वुमेन की लिटरेसी क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ज्यादा जरूरी है कि वुमेन को भी ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, उनको ज्यादा नॉलेज मिले, उनको ज्यादा पढ़ाई कराई जाए। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? व्हाट डज इट कॉजेस? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके क्या क्या कारण है? व्हाट आर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस? इन फोर्सेस के बारे में आपको बताना है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। व्हाट आर इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव रोग्स? रोग्स के बारे में बताना है आपको। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर? जागीर और मनसबदार में क्या रिलेशन था? Who were the parties involved in the tripartite struggle? जो struggle हुआ था उसमें जो पार्टी थी उनका क्या involvement था? Write about two components of natural environment. Natural environment के दो components you have to write down. Make a list of toys that boys typically plays and another for girls. आपको ऐसे toys के बारे में बताना है जिसको generally जो boys हैं वो जिनसे खेलते हैं, purchase करते हैं, और जो girls खेलती है और जो परचेज करती है उसके बारे में आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, डू एनी 6। इसको आपको पूरा डिटेल में लिखना है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, सो 6 क्वेश्चन इज 24 मार्क्स। व्हाट इज रोप साइकिल? एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपको एक रोप साइकिल को एक्सप्लेन करना है। पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट द स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्टेटमेंट क्या है पहले हम उसको रीड करते हैं कि जो गरीब लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं या स्कूल बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि उनका एजुकेशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये रीजन नहीं है,
हमें ये बताना है कि वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये क्यों ट्रू नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि वो पढ़ाई करे, एजुकेशन के अपना कंप्लीट करे। बहुत सारे रीजन है इसमें, सोशल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है कि जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाते, थोड़ा सा माइंड सेट भी है। तो ये सारे रीजन है, ये इंटरेस्ट का जो रीजन है वो इसमें नहीं आएगा। हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर, कुछ एमएलए जो है मिनिस्टर क्यों बन जाते हैं, एक्सप्लेन करना है। इसका भी एक प्रोसेस आपको बताना है कि मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा। उसको पहले एमएलए बनना होगा, एमएलए के बाद उसको किसी एक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर बनाया जाता है। एक्सप्लेन ऑल लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की सारी लेयर्स को आपको पहले नाम लिखना है, फिर उनको सारा एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ जस्टिस, वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड। सर्कल ऑफ जस्टिस के हिसाब से क्यों इतना इम्पोर्टेंट था मिलिट्री कमांडर को कि वो पीजेंट्री के जो इंटरेस्ट था उसको अपने ध्यान में रखे। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम्स हैं, और साथ में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जैसे आपके गवर्नमेंट के स्कूल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हेल्थ सिस्टम है, डिस्पेंसरीज हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं वो आपको बताने हैं। व्हाट आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, जैसे आपके पास ये रोप साइकिल का आ गया, या लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर आ गया, या डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ विद डायग्राम ये एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज वाटर साइकिल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपर्स में आता है। वाटर साइकिल क्या है, इसको भी आपको डायग्राम के थ्रू सोल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। आपको ये पैसेज रीड करना है और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग एनी 5। यहाँ पे आपके पास 7 गिवन है, तो आप इनमें से कोई से भी 5 उसमें मार्क कर सकते हैं। हर एक के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। जैसे लाहौर, पानीपत, अजमेर, पालस, राजपूतास, गुजरात एंड तंजौर। तो ये था एक हाफ ईयरली का या मिड टर्म का, या जिसको आप SA1 भी कह सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर। कोशिश किया कि इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसका PDF लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।